भाजपा विधायक पुलिस मारपीट पर मायावती ने साधा निशाना, बोली सपा और भाजपा की सरकार में क्या अंतर रह गया है। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं जी न्यूज। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर सकते हैं और हमारा ज्वाइन मेंबरशिप ज्वाइन करके आप बम्पर इनाम भी जीत सकते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं खबर की ओर। बसपा अध्यक्ष मायावती ने अलीगढ़ में भाजपा विधायक और पुलिस के बीच थाने में हुई मारपीट की घटना को लेकर एक बार फिर उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था पर सवाल उठाए हैं। गुरुवार सुबह ट्वीट करके उन्होंने सवाल उठाया कि अपराध नियंत्रण और कानून व्यवस्था के सपा और भाजपा की सरकार में क्या अंतर रह गया है। मायावती ने लिखा कि उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था दम तोड़ रही है। कल अलीगढ़ के स्थानीय भाजपा विधायक और पुलिस द्वारा एक दूसरे पर लगाए गए आरोप और मारपीट अति गंभीर और काफ़ी चिंताजनक है। उन्होंने इस प्रकार के कांड को एक प्रकार से योगी सरकार के लिए घातक बताया और कानून व्यवस्था के लिए बहुत ही बेकार चीज है, और उन्होंने कहा कि इसकी जांच हो और दोषियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। बसपा अध्यक्ष इसकी मांग करते हैं। उन्होंने लिखा कि यूपी में इस प्रकार के लगातार हो रहे जंगल राज जैसी घटनाओं से स्पष्ट है कि खासकर अपराध नियंत्रण और कानून व्यवस्था के मामले में सपा और बीजेपी की सरकार में भला क्या अंतर रह गया है कि सरकार इस पर समुचित ध्यान दे। बीएसपी की जनहित यही सलाह है कि यह सरकार से बचकर रहें और अपना कानून व्यवस्था ठीक करें। गौरतलब है कि अलीगढ़ में भाजपा विधायक और थानेदार के बीच बुधवार को मारपीट हो गई। भाजपा विधायक राजकुमार सहयोगी ने आरोप लगाया कि गोंडा थाने में एसओ सहित तीन दरोगा ने मुझ पर हमला बोल दिया और कपड़े फाड़ दिए। वहीं एसओ का कहना है कि विधायक ने सबसे पहले हाथ उठाया था। इस घटना के बाद थाने के बाहर विधायक समर्थनों की भारी भीड़ इकट्ठा हो गई। तनाव के माहौल के कारण इलाके में आधी दुकानें बंद हो गई। घटना के बाद सरकार ने एसओ को सस्पेंड करते हुए आईडी से पूरे मामले की रिपोर्ट तलब की है। आपको क्या लगता है, योगी सरकार में गुंडागर्दी भाजपा विधायकों की बहुत ज़्यादा बढ़ गई है? तो अपना कमेंट करके जरूर बताएं। इसके लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।